This is Pakistan flag and this is India flag. This fight is for peace. We are not enemies. We are together. Together we can do anything. There are politics and everything. They are separating us. So we have to be together. This fight is for Pakistan versus India, just for friendship and being closer each nations. Shahzeb Rind ki janib se bahut hi khoobsurat message diya gaya ki hum aman chahte hain. Hum India se pyar karte hain. Pakistan aur India ko ek hokar rehna chahiye. Hum aapas mein dushman nahi hain. ये तमाम नफरतें हमारे सियासतदानों में हमारे बीच फैलाई हुई हैं। ये बात है 20 अप्रैल की, जब शाहजेब रिंद और राणा सिंह जो के इंडियन फाइटर था, इनके दरमियान फाइट की गई। दुबई में ये फाइट मुनक़द हुई और इस फाइट से एक रोज पहले यानी 19 अप्रैल को जब इस फाइट की रोनमाई तकरीब हुई तो दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों फाइटर्स ने आपस में आमना सामना किया और इस तकरीब में बहुत ही बदमजगी फैली। वो ये थी कि जब शाहजेब रिंद और राणा सिंह आपस में मिले तो राणा सिंह ने शाहजेब रिंद को धक्का दे मारा, जिसके जवाब में शाहजेब ने उसके मुंह पर जोर से चांटा दे दिया, जो कि बहुत ही इंसल्टिंग वाली बात थी। जिसके जवाब में राणा सिंह ने भी उसे मारने की कोशिश की और वहां पर मौजूद पानी की बोतल उठाकर उसे मारी। जिस पर शाहजेब रिंद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा पेश आऊंगा, तुम देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर इससे अगले रोज जब बॉलीवुड किंग सलमान खान साहब भी उस फाइट में मेहमान खसूसी मदू थे और सलमान खान के सामने शाहजेब रिंद और राणा सिंह की फाइट शुरू हुई और इस फाइट के शुरू होते ही सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि शाहजेब रिंद ने उसे बहुत ही बुरी तरह नॉकआउट किया, उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और बगैर किसी मुश्किल के शाहजेब रिंद ने ये फाइट अपने नाम कर ली। जब राणा सिंह को नॉकआउट किया तो शाहजेब रिंद सीधा इंडियन फैंस के पास गए और वहां से इंडियन फ्लैग पकड़ा और उसके बाद पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी फ्लैग पकड़ा और दोनों फ्लैग्स को एक साथ ऊपर उठाया और साथ ये कहा कि हम आपस में दुश्मन नहीं, हम आपस में दोस्त हैं और ये फाइट में डेडिकेट करता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के अमन के लिए। हमें एक होकर रहना चाहिए, हम एक होकर सब कुछ कर सकते हैं। इस फाइट के बाद शाहजेब रिंद के साथ सलमान खान ने मुलाकात की और उसकी तारीफ की कि वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ये फाइट की है। शाहजेब रिंद ने भी बताया कि मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी जिंदगी की ये विश थी कि मैं अपने हीरो जिसको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ सलमान खान, मैं उसके सामने ये फाइट करूँ और इस फाइट को अपने नाम करूं, जिस पर सलमान खान भी देखकर बहुत खुश हुए और यूं बहुत ही खुशगवार मूड में इस फाइट का इख्तिताम हुआ। शाहजेब रिंद ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि पाकिस्तानी कौम एक पुरअमन कौम है जिसको मुकाबले में कभी नहीं हराया जा सकता, अलबत्ता प्यार के साथ उसके साथ सब कुछ किया जा सकता है। शाहजेब रिंद ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया, सेम वैसा मैसेज जैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अभिनंदन के जहाज को गिराया था और उसे बहुत ही बुरी तरह पीट कर उसे वापस इंडिया भेज दिया था, ये मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है जिसको कभी भी जंग में हराया नहीं जा सकता, पाकिस्तानी कौम जीत कर भी अपने मुखालफिन की इज्जत करना जानती है। ये वीडियो इंटरनेट पर आजकल बहुत ही वायरल है जिसको बहुत ही पसंद किया गया और इसी वीडियो के जरिए हमें शाहजेब रिंद के मुतलिक जानने का मौका मिला। शाहजेब रिंद ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया, ना सिर्फ इस फाइट को जीतकर बल्कि इस फाइट के बाद जो उसने मैसेज दिया इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट की, इस वजह से पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया और वाकई ही में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इस चीज को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। Thank you.